हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आप अपने पीएफ के पैसे बैंक अकाउंट में किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। पीएफ के पैसे विड्रॉल करने के लिए आपके पास यूएनए नंबर और यूएनए का पासवर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यूएनए नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आप अपनी कंपनी के सीनियर से अपने यूएनए नंबर और पासवर्ड को मांग सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के सीनियर आपको यूएनए नंबर और पासवर्ड नहीं दे रहे हैं तो आप खुद ही अपने यूएनए नंबर और पासवर्ड को ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या तो एंड स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं आप अपने पीएफ के पैसे अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी पीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं आप अपने पीएफ के पैसों को पूरा अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए आपको मेंबर होम की इस पोर्टल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने यूएनए नंबर और पासवर्ड को डाल के अपने पीएफ अकाउंट पर इस तरह से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप जिस पर्सन का पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको यूज़र नेम और यूएनए नंबर शो हो जाएगा, बेसिक डिटेल। अब आपको पीएफ के पैसे को विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा जूम करना है और ऑप्शंस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लेम के ऑप्शन पर, क्योंकि हम पीएफ के पैसे को क्लेम कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। जैसे ही आप क्लेम पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये होम पेज शो हो जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है और आपने जो पीएफ अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है उस बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर डालते ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपको इस टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आप यस करें इस टर्म्स कंडीशन को, और जैसे ही यस करेंगे बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ग्रीन राइट का क्लिक ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा जूम करेंगे तो ऑप्शन शो हो जाएगा प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पीएफ को बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने के लिए आपको यह फॉर्म पूरा फिलअप करना है। तो किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं चलिए हम जान लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ा आप यहाँ पे पहले जूम करें। जूम करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक करें और आप अपने पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हैं इसलिए आपको लास्ट ऑप्शन पीएफ एडवांस फॉर्म 13 के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सर्विस, यानी आप जिस कंपनी के पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट करें कंपनी के नेम को। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट एडवांस पारा पे क्लिक करना है और आप जिस रीजन से पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हैं वो रीजन आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लें। रीजन सिलेक्ट करने के बाद आप जितने पीएफ के अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल दें, यानी आप जितने पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं वो पैसे यहाँ पर आप लिख लें। पैसे को लिखने के बाद आपको अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है आपका वही एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो एड्रेस डालने के बाद आप अपना यहाँ पे स्टेट और सिटी सिलेक्ट कर लें। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की पासबुक का एक फ़ोटो या तो कैंसिल चेक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप फ़ोटो मैक्सिमम 100 KB से लेके 500 KB तक की अपलोड कर सकते हैं और फ़ोटो JPG या तो JPEG फाइल में ही होना चाहिए। तो उसे कागज एप्लीकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करके बना सकते हैं फ़ोटो। तो आप आपने जहाँ पे भी अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करके रखी है वहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लें, फ़ोटो को ऐड कर लें और फ़ोटो आपने सही ऐड किया इसे चेक करने के लिए यू के ऑप्शन पे चेक क्लिक करें और यहाँ पे आपके बैंक की अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इस तरह से शो हो जाएगी। तो जैसे चेक करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा इन टर्म्स कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो गया है। अब आपको बस यहाँ पे गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा। उस OTP नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है और इसे वेरीफाई कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर OTP नंबर डाल देते हैं। OTP नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम पे क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब इसे चेक करने के लिए आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ इसे चेक करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे
ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और नीचे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे शो आप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे डेट और टाइम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा फॉर्म रिव्यू में है। जैसे हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे सेटल का ऑप्शन शो हो जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएफ से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।